कोशिश करें मांगने की बजाय सरकारों से, तो शायद अगले चुनाव तक बात बन जाए। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इन निर्दयी सरकारों से मांगने के बजाय, आंदोलन करने के बजाय, हमें अपनी सरकार बनाने के लिए ताकत लगानी चाहिए। जितना हमारे पास धन पैसा समय है उसके लिए लगाना चाहिए। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आज की सरकारें चाहती यही हैं कि हमारे नौजवान साथी उत्तेजित हों, उत्तेजित होकर के गैर कानूनी काम करें और वो कानूनी रूप से उनको पकड़ के जेल के अंदर कर दें जो कर रहे हैं। अभी गौतम बुद्ध नगर जिले से 500 लोगों के नाम हैं अरेस्ट किए हैं, एक एक गांव से 10-10 20-20 लोग हैं, उनको जमानत के लिए गांव में लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा सभी नौजवान साथियों से खासकर निवेदन है कि हमें जोश में होश रखने की जरूरत है। अगर होश नहीं रखेंगे तो आंदोलन हमारे बिगड़ जाएंगे, रास्ते बिगड़ जाएंगे, और जब एक बार डिमोरलाइज हो जाएगा, खास करके हमारा नौजवान साथी रास्ते से भटक जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। हम मान सम्मान की बात करते हैं, और अभी बात की उन्होंने खाल निकालने की, हथियार रखने की। मैं सोचता हूँ इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके घर में शायद सबके घर में एक 2 फुट का डंडा भी नहीं होगा। लाठी और तलवार की तो बात बात की है, खाल निकालने की तो बात बात की है, कि घर में 2 फिट का डंडा नहीं होगा कि अगर कुत्ता आ जाए तो हम डर के घर में घुस जाते हैं। तो हमें कथनी और करनी में भी अंतर नहीं रखना चाहिए। और मैं आगे